हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग प्रीति के ब्लॉग में। दोस्तों, अभी बस सुबह के 5:30 और ना कल से बहुत ठंडा हो गया है यहाँ मौसम, इस वजह से थोड़ा सा कोल्ड जैसा भी हो रहा है। पर आज हरीश आ रहे हैं बरेली और वहीं से दिल्ली चले जाएंगे, तो मैं उठ चुकी हूँ। पापा वॉक पे गए हैं और मैंने रख दी है चाय, ये आप देख सकते हो। पापा ने इसमें काली चाय बनाई थी, उसी में चढ़ा दी है। तो फटाफट इसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, मम्मी लोग को भी फ़ोन करती हूँ, लोग पहुँच गए या नहीं पहुँचे करके। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो और जो मेरे नए चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने काटी है हरी प्याज और आलू, और यहाँ पर मेरा दूध हो रहा है गर्म, चाय मैंने पापा को दे दी है। यहाँ पे मैंने पूरा सामान निकाला है, टेबल पूरा क्लीन कर रही हूँ। ये वाला क्लीन हो गया है, तो ये पूरा सामान निकाला है। टेबल इसका मैंने ये धो दिया था, इसको अच्छे से बिछा के सारा सामान सेट कर दूँगी। आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है और इस तो खाली नाश्ता करके जाएंगे, रास्ते के लिए मना कर रहे हैं। तो ऑमलेट बोलिए, ऑमलेट और पराठा डाल दूँगी। उससे पहले इसको सेट करती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना है। तो चलिए टेबल सामान सेट कर देते हैं। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरा सारा काम हो गया, बस अब नहाना है, मिशू को नहलाना है और इसको दूध पिला दिया, नाश्ता कराना है। और ये इतना परेशान करती है ना, सुबह सुबह मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल इतना अच्छा मौसम था और आज आप धूप देख लो, जगह ये देखो, आज धूप देख लो कितनी गंदी धूप आई है। अच्छी, तो चलिए फटाफट मैं बिस्तर एक बार सही कर दूँ। और ये सारे कपड़े मैंने कल बताया था ना, बैग खाली किया है, तो ये सारे अलमारी में सेट करने हैं। ये जो गिफ्ट थे वन बॉक्स कर दिए थे, ये मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, आज दिखाऊंगी क्या क्या दिया है किसने। और पापा पता नहीं कहाँ है, पापा कहाँ है मानसी? गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो। और वो रही मानसी, वो उधर बैठी है, नाश्ता नहीं कर रही है। और ये हैप्पी एनिवर्सरी का क्या ही हो गया? पाई नाइफ सर पता नहीं क्या हो गया, पापा बाहर हैं सारे, पता नहीं कहाँ लग क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जाओ पैंट पहनो, जाओ चाची को बोलो पैंट बना दो, जाओ। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट बेड सीट एक बार ठीक कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम निपटा दूँ। ऊपर ये बेचारी ना इस बेड पे चढ़ नहीं पाती है, मेरे उसमें तो चढ़ जाती है ये। तेरा नीचे है ना, पैंट तो पहना दो। नहीं नहीं, इसको इसी में अभी नहलाना है। ये दिया है मग 2 अनु दीदी ने, इसमें हम पियेंगे चाय। सही दिया। ये अच्छा दिया है, काम की चीज। ये है छोटी वाली दीदी का गिफ्ट। और ये दिया है यूवी ने, यूवी ने दिया है शायद, मुझे पता नहीं, यूवी ने दिया है ना, इसको पता है। ये गई थी, ये लोग गए थे, मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं कहाँ गए थे। हमारे पड़ोस वाली दीदी है ना, उनके बेटे ने दिया है। और ये किसने दिया है यार? मेरी एनिवर्सरी थोड़ी थी, नाम ही लिख दी। ये शायद ना काव्या लोगों ने दिया है। हाँ ये काव्या, हाँ वो बॉक्स में था ना ये, हाँ। काव्या लोगों ने दिया, बड़ी दीदी के बच्चों ने। और ये दोस्तों एक कुर्ती दी है मेरी बड़ी वाली देवरानी ने, नया देने। और इसके संग एक रेड कलर की लिपस्टिक, ये देखो ये कितना प्यारा है। ये है सीसा और ये रहा फ्रेम। ये दिया है जो वीडियो बना रहा है वो मानसी ने। इसमें बैक साइड फोटो लगा रही थी, दुकान ही नहीं खुली थी। ये बहुत प्यारा है, इसको मैं दिल्ली ले जाऊंगी और वहाँ फोटो लगाऊंगी इसमें। नहीं वो मम्मा और पापा आप हो ही नहीं, उस टाइम आप थे ही नहीं। इसको बोल रही है ये हरीश और ये मैं। अपने आप को गुड्डू बोलती है ना वो। अच्छा तो दोस्तों ये गिफ्ट है, और बाकी जो बड़े लोग थे जैसे आमा चिच्चा, उन लोगों ने पैसे दिए हैं, तो हमारे इतने गिफ्ट आए हैं, सब मेरे काम के हैं, सब सजाने वाले। भैया का कोई काम का नहीं है, भैया का जो काम का था वो वीडियो में दिखा दिया मैंने, वो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। तो ये कुर्ती मेरे लिए थोड़ा यूज है, इसको फिटिंग करानी है। फिर आपको कैसा लगा? टूट जाएगा, ये दिल्ली ले जाएंगे, वहाँ देखोगे।
टाइम मुझे दे नहीं दिया वो, इसने तो मेरा लाओ रख दो, ये टूट जाएगा मिशू। गाइज ये मैंने बिस्तर कर दिया पूरा सेट, देख सकते हो आप, क्योंकि कल ठंड हो गई थी ना इसलिए ब्लैंकेट ओढ़ा था। ये कपड़ों की हालत देख सकते हो, ये कुछ कुछ चुटुर पुटुर है, सब फेंकना है। हाँ मिशू को गर्मी होती है ना इसलिए मिशू ने कंबल नहीं ओढ़ा। चलिए फटाफट ये कपड़े भी अलमारी में रख देते हैं। बज गए 6:30 और मैं पहले उठ गई थी, चाय पी ली थी हम लोगों ने। एक्चुअली ना मिशू को फीवर आ गया है और हरीश आज बरेली गए थे तो वो भी आ गए और अब निकलेंगे दिल्ली के लिए, तो उन्हीं से मैंने दवाई मंगा ली थी, अभी मैंने पिला दिया, अभी उतर गया है बुखार, पता नहीं कैसे आ गया, शायद हवा पानी चेंज हुआ है इस वजह से, और बीच में मौसम ठंडा भी हो गया था ना कल परसों में, तो मैं भी, तो मैं हरीश के लिए बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूरी बना दूंगी, वो खा के जाऊंगा बोल रहे हैं, पूछ लेते हैं उनसे कि क्या खाओगे, बस मौसम देख सकते हो। और अभी ना उसको बबल्स चाहिए, ये रहे मिशू और मिशू के पापा। आपको बुखार आया ना बिट्टू, बू सुनो आलू के संग पूरी बना दो या पराठा, ठीक है। और जैसे दिल्ली में खिलौने फैला दी थी मिशू, यहाँ भी फैला रखे हैं इसने, यहाँ भी इसके एक ये पूरा बॉक्स भर के खिलौने आप देख सकते हो। और ये देखो हमारा हैप्पी एनिवर्सरी का सब कुछ उतर गया, बस इतना सा बच गया, ये PYNIVE ऐसे बस रोज उतरते जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट खाना बनाती हूँ क्योंकि ना फिर लेट हो जाएगा, 7:30 निकलना है इनको। आलू मेरे ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं, आटा मैंने गूंद लिया है, तो बस सब्जी फटाफट डालती हूँ जीरे का छौंक लगा के। और आज मैंने किचन क्लीन किया था वो देखो आप कितने अच्छा लग रहा है। तो धनिया लेने मम्मी ने लगाया है धनिया, फिर अंधेरा हो जाएगा ना, पापा ने यहाँ पे आग लगा दी कूड़े में, वैसे तो गाड़ी भी आती है बट जो सूखा सूखा होता है उसमें आग लगा देते हैं। तो ये देखिए धनिया तोड़ते हैं फटेक फटेक से, सब्जी में डाल के स्वाद आ जाता है धनिया का। गांव में यही तो अच्छी बात है कि खेत से हम लोग आराम से छोटी मोटी चीज़ें लगा सकते हैं, बट शहर में तो सब कुछ खरीदना पड़ता है दोस्तों, पता है आपको। और वो मेरी देवरानी देखो वहाँ पे, सुबह से दिखी नहीं है ये, पता नहीं कहाँ थी, फोन भी नहीं लग रहा इसका, खुद भी नहीं दिख रही है। बोलिए अमेरिका से आ रही हूँ दोस्तों, मैंने नहीं लगाई है, मेरे ससुर ने लगाई है, ये पीछे से आ रहे हैं मेरे ससुर जी। तो ये मैंने तोड़ लिया इतना धनिया, बहुत है ये, क्या बोल रहे घर में आग वाला लगा सकते हैं, आग वाला देख रहे हैं घर में आग वाला लगा सकते हैं, मैंने आग बोला आपने तो लगाया यार घर में, मतलब वो वैसे अच्छा वो मुझे उसका वो कौन लगाता है बताओ आप बताओ। ये पापा की रोज की ड्यूटी है दोस्तों यहाँ पे आग लगाने की। हाँ आग गुड़ाई भी भिंडी बो दी पापा कब इसमें लगाई है पापा ने भिंडी, अब होगी नहीं होगी वो पता नहीं है। यहाँ पे जो दो दाने टमाटर लगे थे वो देखने यहाँ बिछा रखे थे कहीं। तो चलिए लोग बनाते हैं फटाफट से सब्जी और पूरी, ठीक है। इसके चप्पल पहना खुद पहनती है वो अपने चप्पल, पल्च हाँ पल्च टांग दो इसका पॉपिट वाला, बोल रहा बिट्टू ये मिशू जा रही है बबल्स लेने और ये तैयार हो चुके हैं देख सकते हो, ये आधा एक घंटा पहले तैयार होके बैठ जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग, और हमेशा की तरह पंखा और लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं हमेशा की तरह, दिल्ली में भी यही हाल है और यहाँ भी यही हाल है।
बना लिया आलू के पीस, तेल चढ़ा दिया, चलिए फटाफट सब्जी डालते हैं और उसके बाद फिर मैं बना लूँगी पूरियाँ। चलिए तो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है, पूरियाँ मैं बना रही हूँ, फटाफट से क्योंकि हर ये को लेट ना हो जाए ना, फटाफट बना लेती हूँ, निकलना भी है उनको क्योंकि पापा जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया, ये रहे, बाय बाय बाय, अच्छे से जाना। मिशू को अभी बुखार उतरा हुआ है, हाँ छोटा बेबी का भी बुखार उतरा हुआ है, तो चलिए थोड़ा इनको वहाँ तक छोड़ के आते हैं, आराम से जाना। एवं हाथ जोड़ लो मंदिर में, मंदिर में हाथ जोड़ने गए हैं। पानी रख लिया ना, दवा खा लूं क्या? काई की चेस्टन कोल्ड लेके जाओ अपने साथ ही, सूरज लाए थे ना। हाँ हाँ यहाँ जो मिर्ची लगेगी आपको, ये पास्ता खा रही है, देखना इसमें इसको मिर्ची नहीं लग रही है। अरे दाल में, ओके दाल में इसको मिर्ची लगती है, सब्जी में मिर्च लगती है। ये हमारी आमा बैठी है, चाची, नीरज, नेहा और वो पीछे रूबी। समझ नहीं आई, बोल दो। आपको डांटती है आपकी मम्मा? तू डांटती थी मेरी मिशू को? कब डांटा? हाँ जब आप गंदे काम करते हो तब डांटती हूँ, वैसे तो प्यार करती हूँ ना। पापा भी डांटते आपको? देखा पापा ने डांटा ना। पापा क्यों डांटेंगे, मम्मा अच्छी है कि पापा? माँ तो माँ होती है ना। रात के बज गए 9:30 हो गए शायद, खाना वाना खा लिया, हरीश भी रास्ते में है, अभी कॉल आया था उनका, और अब हम लोग आए अपने रूम पे और पापा लोग भी सब सो गए हैं तो हम भी सोने जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। क्या बोलना है बोलो? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं ऐसे, रुको जब मैं बोलूँगी तब करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।